इस वक्त की बड़ी खबर की जब दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है सरकार बनाने का न्योता। खबर यह है कि उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और अनुमति मांगी है कि क्या सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। खबर यह है कि राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से इस मसले पर राय मांगी है, लेकिन इस बीच अटकलें तेज हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगर सरकार बनाने का न्योता एलजी की ओर से मिलता है तो बीजेपी इस पर विचार करेगी और किस तरह से वो बहुमत तक पहुंचेगी इस पर भी पार्टी विचार करेगी। गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति ने इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है क्योंकि अब एलजी पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने इस पत्र में अनुमति मांगी है राष्ट्रपति से कि जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी उसे सरकार बनाने का न्योता उनकी ओर से भेजा जाए। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के पास 31 विधायक हैं, 31 सीटें हैं दिल्ली में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके पास 27 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, निर्दलीय विधायकों के पास 2 सीटें, जेडीयू के पास 1 और शिरोमणि अकाली दल के पास 1 सीट है। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेपी जी। आज तक पर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है ना वो बीजेपी को समर्थन देगी ना आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी, ऐसे में अब जब ये पत्र लिख दिया गया है और ये कयास तेज हो गए हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? सर हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी दिया कि हम कोई तोड़फोड़ नहीं चाहते और हम ये चाहते हैं दोबारा चुनाव होने चाहिए। अब दूसरा पहलू ये है कि उपराज्यपाल साहब ने रिपोर्ट क्यों दी, ये 100% सरकार के दबाव में रिपोर्ट दी गई है कि सरकार ये चाहती है कि अगर हम चुनाव कराएंगे तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली। अभी बाय इलेक्शन के नतीजे आ के चुके हैं तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। क्या ये लोकतंत्र में अच्छा होगा? क्या आप खरीद फरोख करेंगे? पहले भी एलिगेशन लगे खरीद फरोख के, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात और है, जब इन्होंने सारे गवर्नर हटा दिए तो उपराज्यपाल साहब कैसे रह गए? इनको इसलिए रखा गया होगा कि रिपोर्ट दे दें। तो इस राजनीतिक दबाव के अंदर ये फैसला हुआ है जिसका कोई भी आदर नहीं करेगा और मुझे लगता है बिल्कुल सख्त खिलाफ है इस तरह के फैसलों। यानी कि आपकी पार्टी दोबारा चुनाव कराना चाहती है और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती और उनके दबाव के चलते इस तरह से कदम उठाया है एलजी ने। लेकिन जेपी जी यहाँ पर मेरा सवाल ये होगा कि आपकी पार्टी जो है वो दोबारा चुनाव तो नहीं चाहती और जाहिर तौर पर अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं जो समीकरण है वो दूसरे होंगे, लेकिन अगर विधानसभा के पटल पर विश्वास मत पेश किया जाता है ऐसे में आप वो पारित भी नहीं होने देंगे? वो तो अलग चीज हो गया ना, वो तो बात की चीज है। लेकिन आज जो ये फैसला हुआ है, ये फैसला क्यों हुआ है? ये फैसला इस कारण हुआ है कि एक राजनीतिक दबाव बीजेपी का था, चुनाव से भाग रहे हैं, उन्हें मालूम है उनके पास गिनती नहीं है, आज भी नहीं है, तो ये किसी सूरत में भी चुनाव नहीं कराना चाहते और ये 100% सरकार के दिमाग में एक राजनीतिक फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त शोएब इकबाल जो कि निर्दलीय विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शोएब, आपका समर्थन बीजेपी को हासिल होगा? देखिए ऐसा है, इसमें हमारी साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ये तोड़ जोड़ के अपना ये करेगी। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनकी ईगो क्लेश की वजह से आज ये बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम लोगों का सीधा स्टैंड है कि हम भाजपा के खिलाफ जाएंगे और आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी वाले एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगना चाहिए। मोदी जी को जिता के आए हैं वो अपना बनारस से, लेकिन आज की तारीख के अंदर इन्हीं के आदमी टूट रहे हैं और ये लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे से कुछ खेल चल रहा था और हमारा जो साफ स्टैंड है कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, ये जो सरकार बनने जाएगी इसके खिलाफ। लेकिन आपने मेरे सीधे से सवाल का जवाब नहीं दिया शोएब जी, आपका क्या रुख रहेगा, आपका समर्थन?
मैंने ये कहा कि हम तो बिल्कुल सब खिलाफ जाएंगे, हम जो इसके खिलाफ वोट देंगे। लेकिन एक वक्त तो ऐसा था शोएब जी जब ये खबरें आ रही थी, और अब तो रामवीर शौकीन जी ने भी साफ कर दिया है कि उनका समर्थन बीजेपी को हासिल होगा। ऐसे में आपका स्टैंड अब पहले से बदल गया है क्या? नहीं, हमारा पहले भी वही स्टैंड था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम जो इसके खिलाफ रहेंगे और मतलब बीजेपी की सरकार किस तरह बनने देंगे, हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। हमारा बिल्कुल सीधा सीधा अपना स्टैंड है, और इसके अंदर जो बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है वो उनको वो समझ रहे हैं जी। अभी कोई दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो उनकी सरकार इस बात पर विचार करेगी। उनकी पार्टी अभी ये नहीं जानती कि कौन उन्हें सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, बहुत ही असमंजस की स्थिति है इस वक्त, क्योंकि पत्र लिखने के बावजूद बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें नहीं मालूम कि कौन उनका सपोर्ट करेगा। हालांकि रामवीर शौकीन उनके सपोर्ट में आए, उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन हासिल होगा बीजेपी को, लेकिन शोएब इकबाल इस बात से मुकर गए, उनका कहना है कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो कैसे हासिल करेगी बीजेपी? देखिए, आंकड़ा नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन जो पूरी तरह से एलजी की रिपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड लगती है, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर एलजी अब तक अपना रुख साफ नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक जब 9 तारीख की जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और ऐसा वक्त है जिस समय बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि उसे अपने दम पर चुनाव हुए दिल्ली में तो बहुमत हासिल हो पाएगा, तो एक तरीके से ये लग रहा है कि पीछे से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली गई है, और केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया है कि अब बीजेपी सरकार बनाती है या नहीं बनाती है ये केंद्र सरकार तय करे। तो एक तरीके से बीजेपी को ही वाली केंद्र सरकार को ही ये फैसला लेना है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक तरीके से ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए रास्ता साफ किया गया है कि अगर वो सरकार बनाना चाहे तो आंकड़े न होने के बावजूद भी वो सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े। तो ये इससे अच्छा फेवरेबल जो माहौल है वो एलजी नहीं दे सकते थे, वही कुछ करने की कोशिश की गई है एलजी की तरफ से, और कुल मिलाकर यही स्थिति बनती है कि अब बीजेपी को न्योता दिया जाए सरकार बनाने। लेकिन कुमार, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के दबाव में ही एलजी ने इस तरह का कदम उठाया है। देखिए, कांग्रेस तो निश्चित तौर पर आरोप लगाएगी, लेकिन बात यह है कि मौजूदा हालात क्या है। दिल्ली में अभी 67 सदस्यों की विधानसभा है, क्योंकि 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया हुआ है, ऐसे में 34 सदस्य चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए, जो कि रामवीर शौकीन जिन्होंने अपना समर्थन का वादा भी किया है उनके समर्थन के बावजूद 30 तक ही आंकड़ा पहुंच पाता है। तो बाकी 4 विधायक या तो पार्टी को तोड़ कर आएंगे, आम आदमी पार्टी छोड़े, कांग्रेस छोड़े, तो ऐसी हालत में बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार बनती भी है तो अल्पमत की सरकार बनती है। अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है एलजी की इस रिपोर्ट के बाद कि वो अल्पमत की सरकार बनाने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और अगर इंटरेस्टेड है तो कितने दिन तक चलेगी, कौन उसका नेता होगा, किस तरीके से सरकार बहुमत हासिल करेगी विधानसभा के पटल पर, इन सब पर अब जाकर फैसला लेना है केंद्र सरकार को और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, आलाकमान को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने ट्वीट किया है, क्या कुछ कह रहे हैं इस ट्वीट में आशुतोष, देख लेते हैं। एलजी कैसे उस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं जिसने लिखित में सरकार बनाने से इनकार किया था, ये संविधान के साथ रेप होगा अगर उस पार्टी को न्योता मिलता है जिसने एक बार सरकार बनाने से इनकार कर दिया।